नाश्ता। और दोस्तों हम लोग जो है चौपता पहुंच चुके हैं और यहां से हमारा ट्रैक शुरू होता है। अब मेरे साथी जो है ये करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, मैंने कुछ करना नहीं है अभी, तो मैं अकेला इतने चलने का प्रयास करूंगा, देखता हूँ कितना चल सकता हूँ। और बाहर का नजारा इस तरह से है, देखो अभी सुबह सुबह। आई एम व्लॉगर और देखिए ये इटली से हैं दोस्तों का चल रहा नाश्ता। बिल्कुल हाँ हाँ ठीक ठीक खाओ भैया खाओ खाओ खुद खाओ। ना मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, हाँ बस धन्यवाद भैया। और यहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है, ये तुंगनाथ यात्रा का प्रवेश द्वार है ट्रैक का। अब मैं जीना चढ़ूँ तो वीडियो थोड़ी मुझे बंद करनी पड़ेगी क्योंकि साथी मेरे चाय पी रहे हैं अभी। और दोस्तों यहाँ एक शिलापट लगा हुआ है जिसमें कि तुंगनाथ के विषय में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है, तो ये आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। 5000 वर्ष पुराना यह मंदिर स्वयं पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था। महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने चचेरे भाई बंधु गुरुओं का वध करने के उपरांत आत्मग्लानी से बचने के लिए व्यास ऋषि की सलाह से भगवान शिव की स्तुति करने लगे ताकि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल सके, लेकिन शिव उनके इस कृत्य से नाराज थे, उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे। पांडवों ने शिव के दर्शन करने हेतु उनका पीछा किया तो वे गुप्त काशी में गुप्त हो गए, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान कर वहां भी उनका पीछा किया। तत्पश्चात शिव ने केदारनाथ में विशालकाय बैल का रूप धारण किया, लेकिन पांडवों ने शिव को पहचान कर स्पर्श करने का प्रयास किया। तत्पश्चात शिव ने अपने शरीर के 5 भाग किए जो कि पंच केदार के रूप में जाना जाता है, जिसमें तृतीय केदार तुंगनाथ के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ पर भगवान शिव के हृदय एवं बाहु का भाग है। चौपता से 3.5 किलोमीटर पैदल मार्ग से तुंगनाथ मंदिर स्थित है। मंदिर में पुजारी मक्कू मठ गांव के स्थाई मैठानी ब्राह्मण हैं। बोल शिव शंकर भगवान की जय। और इस तरह से हमारी जो है यात्रा होती है शुरू, ये ट्रैक है। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर की ओर। और इस समय समय हो रहा है 8:05, तो मेरा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। अभी दोस्त आ रहे हैं पीछे मेरे, इसलिए मैंने अकेला चढ़ना शुरू कर दिया है और देखता हूं मुझे इस बार कितना समय लगता है चढ़ने में। मेरे लिए कठिनाई तो रहती है लेकिन फिर भी मैं कृतज्ञ हूं भोलेनाथ का कि वो मुझे बुलाई लेते हैं। हेलो, हमने ना आधा किलोमीटर का ट्रैक कवर कर लिया है और हम आधा एक घंटा लेट है, किसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। लेट हम है लेकिन लेट हम है। मैं तो आया ही ना यार, गलती होती है और स्वयं होती है, ठीक है। और मैं एक बार आपको हिल्स के दर्शन करवाता हूँ हिमालय पर्वत के। ये देखो कितना सुंदर नजारा है, आप देख सकते हैं। और भगवान जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, अभी सही इंतजार कर। दोस्तों ये इस यात्रा मार्ग का जो है प्रथम बुग्याल है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। और देखिए यहां से हम इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं, लगभग 1 किलोमीटर की यात्रा हमने कर ली है। मैं आपको चारों ओर का व्यू दिखा रहा हूँ ये। और मेरे दोस्तों ने तो नाश्ता भी कर लिया और मैंने भी एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। और ये एक चंद्रशिला के विषय में एक शिलापट लगा हुआ है ठीक आपके सामने, तो चंद्रशिला के विषय में थोड़ी सी जानकारी इस शिलापट पे दी गई है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी से 2 किलोमीटर ऊपर स्थित चोटी चंद्रशिला के नाम से प्रख्यात है जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारखंड के अनुसार यह वह जगह है जहाँ चंद्रमा के द्वारा अपने क्षय रोग के मोक्ष के लिए भगवान शंकर का तप किया था। राजा दक्ष की प्रजापति की 27 कन्याएं थी, उनमें रोहिणी नाम की कन्या को चंद्रमा द्वारा अत्यधिक प्रेम किए जाने पर राजा दक्ष द्वारा श्राप दिया गया था जिस कारण चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। उसी श्राप की मुक्ति हेतु चंद्रमा द्वारा भगवान शंकर की तपस्या इसी स्थान पर की गई थी, तब से इस स्थान को चंद्रशिला कहा जाता है। गढ़वाल की हिमालय पर्वतमाला में स्थित इस जगह के पास के अन्य अद्भुत दृश्य बुग्याल, नंदा देवी, त्रिशूल केदार, बंदर पूंछ और चौंबक चौखंबा की चोटियों के अद्भुत दृश्य
दृष्टिगोचर होते हैं। चंद्रशिला ट्रैक के दर्शकों के बीच सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है। यह मार्ग चौपता से शुरू होकर तुंगनाथ तक 5 किलोमीटर की दूरी की खड़ी चढ़ाई ट्रैकिंग कर संपन्न होती है। शीतकाल में यह मार्ग आवागमन हेतु बंद रहता है। जय शंकर भगवान। और हम लोग लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा हमने तय कर ली है, और सचिन और राजीव भैया मेरी सपोर्ट कर रहे हैं चढ़ने में। अब मैं ऊंचा क्यों उल्टा क्यों चल रहा हूँ मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि मेरे हिप जॉइंट फिक्स है, मैं पहले आप सबको पता है इस बारे में, तो मुझे उल्टा चलने में जो है थोड़ा आसानी रहती है, सुविधा रहती है चढ़ने में। लेकिन जहाँ कहीं प्लेन आएगा, समतल आएगा, तो वहाँ फिर मैं सीधा चलूंगा। और हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ। कपाट 1 नवंबर को बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी आस्था है तो इसलिए। और शूट कर रहा है अंकित, और कमल आ रहा है पीछे हमारे। अब हम लोग मिलते हैं आपसे 1 किलोमीटर बाद में चलने के। और हम लोगों ने 2 किलोमीटर की यात्रा जो है तय कर ली है, और अभी 2 किलोमीटर और बाकी बचा है। यहाँ बैठ के हमने ब्रेकफास्ट किया, मैंने नहीं किया था क्योंकि दोस्तों ने नीचे से कर लिया था, तो मैंने थोड़ी के लिए एनर्जी चाहिए थी उसके लिए। और यहाँ चल रहा है फोटो शूट आउट, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो। और चारों ओर का व्यू देख सकते हैं आप, ये सब फोटो खींचने में लगे हुए हैं भाई, देखो आप। और इस तरह से मार्ग, ये जो है यात्रा मार्ग जाता है ऊपर की ओर, और देखिए सभी लोग ये यात्रा करने आए हैं, और कुछ लोग जो है रेस्ट कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। और अभी वहां जाना है हमने, ऊपर वहां जाएंगे ऊपर हम लोग अभी। देखो यार इस अंकित का, देखो क्या कर रहा है ये। जल्दी हाथ कर रहा है। नेटवर्क भाग गया। तू बेटे फुल मजे ले रहा है। अच्छा बर्फ के, देखो दोस्तों यहाँ पूरे में बर्फ है, ये देखो आप। मेरा ही फोटो की मार दे मोस्टली उतरी है, बहुत फोटो हो गए इससे, तो मैं अपलोडिंग ना करता, साल में 4 फोटो अपलोड। दोस्तों हमने यहां तक की दूरी तय कर ली है, और देखिए सबसे ऊंची चोटी है ये जहां हम लोग जा रहे हैं। और मेरी मित्र मंडली जो है नाश्ता करते हुए, छोटी और वहां बैठे हैं मेरे महादेव, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो वो बैठे हैं महादेव ना है, वो बैठे हैं महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। बैग ले आओगे बंद कर। और देखिए इस तरह का ट्रैक है, अभी थोड़ी दूरी और बची है। और यहाँ बर्फ पड़ी हुई है, देखो भारी बर्फबारी हुई है। ये देखो आप, चारों ओर बर्फ बर्फ दिखाई देगी आपको, यहाँ पास में भी है। और दोस्तों देखो इस बार तो बहुत कठिनाई हो रही है मुझे चढ़ने में, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ भाई, चढ़ के छोड़ूंगा क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। और साथ में हनी सपोर्ट कर रहे हैं मेरी, और पीछे कवर देने के लिए कमल और राजीव भैया हैं। नहीं नहीं इस पे चढ़ूंगा यार मैं। और शूट कर रहा है अंकित। अच्छा आपसे एक बात कहना चाहता हूँ भाई, कि जब मैं आ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं आ सकते हो, बताओ। हाँ भैया हाथ ऐसे चल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे देखो कि मैं कैसे चल रहा हूँ, जब मैं चढ़ सकता हूँ तो स्वस्थ लोगों को तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। और लगभग 5 घंटे हो गए मुझे, इस बार सबसे ज्यादा समय लग रहा है पिछली 3 बार की अपेक्षा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। ओह जय भोलेनाथ, जय तुंगनाथ बाबा। और हम लोग जो है अंत में तुंगनाथ आ चुके हैं। इस बार बड़ी कठिनाई हुई,
चढ़ाई करने में मुझे पूरे 5 घंटे कुछ मिनट लग गए। ओहो, जय भोलेनाथ, जय श्री शंकर। और आप बर्फ देखिए कितनी पड़ी हुई है यहाँ। अंकित, चारों ओर का व्यू दिखाओ एक बार जरा। यहाँ फिर भी ठीक है यार। और देखो दोस्तों कितनी बर्फ है, कितना स्नोफॉल हो रखा है यहाँ, जबरदस्त वाला एकदम। ये देखो आप, देख के पैर स्लिप होंगे। हाँ, आराम से आराम से। और देखो यार यहाँ बर्फ पड़ी हुई है। चलो चलो उठो। तो मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा भाई, उठा के मेरे पैर स्लिप हो रहे हैं यहाँ। अब नहीं है बर्फ, लेकिन मेरे दोस्त चलो बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं मेरा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। हो गया काम, हो गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। थोड़ी सी दूरी और रह गई बस, फिर मैं आपको बाबा तुंगनाथ के दर्शन कराता हूँ अभी। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। बस अंकित भैया, दोस्तों यात्रा सफल हुई और मेरी ये चौथी यात्रा है लगातार 2020, 21, 22 और 23। लेकिन इस बार थोड़ा सा अफसोस है कि हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो मुख्य द्वार है ये बंद कर दिया गया है मंदिर का। और उसका मुख्य कारण ये है कि जब यहाँ स्नोफॉल होती है बड़े स्तर पर, तो लोग अंदर शूज लेके जाते हैं। मंदिर की जो परिक्रमा है ना, वो भी शूज से करते हैं। आप उसको चाहे यूट्यूब पे देख लेना, बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे आएंगे यहाँ, तो वो चीज़ गलत है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ जो है ये बैरिकेडिंग की गई है। देखो आप, अब यहीं से हमें अपनी स्तुति करनी पड़ेगी। लेकिन थैंक्स फॉर गॉड, और मैं भोलेनाथ का कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद भोलेनाथ कि आपने मुझे चौथी बार बुलाया। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ, यह साधना कर रहे हैं। और यात्रियों से निवेदन है, कृपया मंदिर परिसर में प्रवेश ना करें। ये यहाँ बंद किया गया है देखो, लेकिन मैं आपको मुख्य मंदिर के दर्शन यहीं से करा देता हूँ। ये देखो आप, अभी कराता हूँ। ये देखिएगा आप, वहां बैठे हैं मेरे भोलेनाथ महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। और यहाँ जो है बर्फबारी हुई है देखो। और इस बार सबसे ज्यादा समय लगा मुझे, लगभग 5.5 घंटे। कहीं से कोई चढ़ ही नहीं सकता, चारों तरफ से तारबंदी की गई है देखो आप। हमारे दो साथी जो हैं चंद्रशिला ट्रैक करके आ चुके हैं, एक किंचित और एक संजय भैया, तो इनको बहुत बहुत बधाई। मेरा तो 2 साल पहले रह गया था, 1 किलोमीटर तक जा पाया था, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया था, तो मैं यहीं तक ठीक हूँ भाई। और हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, यात्रा हमारी संपन्न हो चुकी है। अंकित और ये यहाँ हनी, बहुत मजा आया चंद्रशिला में, वेरी नाइस, नाइस प्लेस। और तुंगनाथ, और हमारी अगली यात्रा हर हर महादेव, जयकारा वीर बजेंगे, हर हर महादेव। और हम लोग जो हैं, हम लोग उतर रहे हैं तुंगनाथ ट्रैक से, और मेरे साथी मुझे जो है शॉर्टकट लगवा रहे हैं। देखो ये लो, लड्डू का भोग लगा दो, लो उछालो उछालो और उछालो संजय भैया, और उछालो, पड़ी बहुत सारी। ये उछालो संजय भैया और उछालो, हाँ ऐसे लो। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। और मैं लगभग आधे से 1.25 किलोमीटर का शॉर्टकट मारा मैंने, ये नीचे की ओर बढ़ता हुआ, नीचे की ओर उतरता हुआ शॉर्टकट। और अब जो है शॉर्टकट पूरा होने वाला है ये। हाँ,
अरे यार जिससे हम आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जिधर को हम आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। किधर से किधर से? इधर से ले। हेलो। और हम आ गए शॉर्टकट मार के नीचे, हमने शॉर्टकट को कंप्लीट कर दिया है। जय भोलेनाथ, जय भोले की। भैया चोट तो ना लगी? एक ही टुमका लगा। मंदिर की कोई कमेटी वमेटी का होगा? अरे फॉरेस्ट विभाग वालों। और ये देखो सचिन क्या कर रहा है, सचिन बनाया पिरामिड। और ऐसी मान्यता है जो कोई अगर किसी की विशेष स्पेशल विश होती है ना तो ये पिरामिड बनाने से वो कंप्लीट हो जाती है उसकी। बन गया? कितने लगे? 11 पूरे कर दिए। चलो ठीक है जी, बन गया ये। और मैं देखिए आपको चौपता जो मार्ग है ये ट्रैक है वहां से सनसेट दिखा रहा हूँ ये, और बहुत ही प्यारा नजारा है और कुछ ही पलों में सूर्यास्त हो जाएगा ये। और देखिए सूर्य देवता ओझल हो चुके हैं अब। और एक बार और मैं चारों ओर का व्यू दिखा दूंगा आपको। और अभी लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता बाकी बचा है, इतने हम सब दोस्त नीचे पहुंचेंगे, इतने अंधेरा हो चुका होगा फिर वीडियो नहीं बन पाएगी। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मेरे व्लॉग पर नए हो वो उसे सब्सक्राइब कर लें।